अहम खबर है, एमकेएम पाकिस्तान भी फौरी इंतखाबात की हामी भर चुका है। पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों में इजाफे की मुखालफत कर दी है। अपनी तजावीज से वजीर आजम को आगाह कर दिया गया है। कहा इंतखाबी इस्लाहात एक हफ्ते में हो सकती हैं। आम इंतखाबात ही मौजूदा मसाइल का हल है। फ्रेश मैंडेट लिया जाए, देर की तो बदनसीबी होगी। रियासत को बचाने की खातिर मुश्किल फैसले लेने चाहिए, सियासत की कुर्बानी लेना होगी। बर वक्त फैसले ना हुए तो आने वाले मुआशी हालात मजीद अबतर होंगे। पी डी एम के साथ मुआहिदों पर अमल दरामद ना हुआ तो ऑपोजिशन में बैठने का ऑप्शन खुला है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा आमना जंजुआ से। आमना बताइएगा, मजीद क्या कहना है एम के एम का? जी बिल्कुल, एमकेएम पाकिस्तान भी फौरी इंतखाबात की हामी निकली। एमकेएम पाकिस्तान ने अपनी तजावीज से वज़ीर आज़म को आगाह भी कर दिया है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं ने खालिद मकबूल सदीकी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सहाफियों से कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतलिक हुकूमत अमीर और गरीब में तफरीक जो है वो रखे। मोटरसाइकिल सवार जो है उनको जो है वो कम कीमत पर पेट्रोल दे, जबकि बड़ी गाड़ियों वालों को जो टैंकी भरवाते हैं उनको जो है वो उनको जो पेट्रोल प्राइस जो है उन बहुत शुक्रिया आपका आमना।